सो गाइज, अभी हम जिस लोकेशन में हैं इसका नाम है भदभदा वाटरफॉल, जो कि जमतारा ब्रिज के यह पहले पड़ता है। और ये रहा भदभदा वाटरफॉल का मेन व्यू, जहाँ पर पानी जो है कुछ ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है और एक अच्छा सा वाटरफॉल का निर्माण करता है। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं भदभदा वाटरफॉल की कुछ ऐसी जगह में, जहाँ पर आप जाकर के सुकून और शांति का एहसास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं भदभदा वाटरफॉल के ऊपरी वाले हिस्से में। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी शांति है और काफ़ी ठंडा पानी है, बहते हुए पानी में आप इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर आप लेट करके नहा भी सकते हैं। काफ़ी स्मूथली पानी बह रहा है, काफ़ी साफ़ भी पानी है, इसे आप पीने लायक भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय के लायक है जो वाटरफॉल है, और काफ़ी यहाँ पे मज़ा भी आता है, काफ़ी ठंडा पानी भी है। तो ये सारी जो लोकेशंस हैं ये भदभदा वाटरफॉल के ऊपरी वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी इंजॉय के लायक है और छोटे छोटे से यहाँ पर वाटरफॉल हैं जो कि ऊपरी को हिस्से में पड़ेंगे, और इसका व्यू आप देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखा देते हैं। काफ़ी साफ पानी बह रहा है स्मूथली, यहाँ पर आप लेट करके एंजॉय कर सकते हैं और ये देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग है, यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं बैठ करके। तो काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, आप जा करके घूम सकते हैं। थैंक यू।